हेलो एवरीवन, माय नेम इज शांभवी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 द आर्टिस्ट फ्रॉम क्लास 7th हिस्ट्री, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, द दिल्ली सुल्तान। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो लास्ट टाइम मैंने इस टॉपिक को लेफ्ट आउट किया था यहाँ पे, दैट इज हम लोगों ने ये स्टडी आउट कर लिया था कि 1236 में राजिया सुल्तान बन गई थी, बट वहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब कि मतलब उनको मतलब सही नहीं लग रहा था, और काफ़ी ज़्यादा सब लोगों ने लाइक एज अ क्वीन एज अ रूलर लोग हैप्पी नहीं थे। तो इन 1240 उनको यहाँ से थ्रोन से रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था अभी तो। अब फ्रॉम गारिशन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनेट। अब जो दिल्ली सल्तनेट थी वो धीमे धीमे बढ़ती कैसे गई, एक्सपेंशन उसका किस तरीके से हुआ, उन चीज़ों को पढ़ते हैं। इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हेविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाई गारिसंस। अब 13th century की स्टार्टिंग में ही जो दिल्ली सुल्तान्स का जो कंट्रोल था वो धीमे धीमे मतलब उनके बियॉन्ड जाता जा रहा था। ठीक है, जो उनके बड़े बड़े टाउन्स वगैरह थे, जो सब चीज़ें थी, वो गैरिसन्स उनको धीमे धीमे लाइक कंट्रोल होता जा रहा था, ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स। गैरिसन्स क्या होते हैं, जो सेटलमेंट्स होती हैं जिनमें सोल्जर्स वगैरह होते, तो सारी चीज़ों से यहाँ पे पूरा ऑक्यूपाई होता जा रहा था दिल्ली। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड द hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. तो जैसे कि जो सुल्तान्स जो थे वो कंट्रोल वगैरह करते थे, तो hinterland का क्या मतलब होता है, hinterland the lands to the adjacent of a city port that supply with goods and services. अब तो जो lands वगैरह थे सिटी के जिस पास में, या ports वगैरह थे जो goods और services वगैरह को supply करते थे, तो सुल्तान जो थे वो उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे सिटीज़ में, और वो सुल्तान जो थे वो कम्प्लीटली ट्रेड वगैरह पे डिपेंडेंट हो गए थे। ट्रेडिंग मतलब कि गुड्स का इधर से उधर जाना, इन सब चीज़ों पे। एंड ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गए थे जो सुल्तान थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स, गैरिसन टाउन्स क्या होते हैं, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स होती हैं जिनमें सोल्जर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जो गैरिसंस का टाउन्स थे इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब जो गैरिसंस टाउन्स थे डिस्टेंट बंगाल और सिंध दिल्ली में, उन सबको कंट्रोल में करना काफ़ी डिफिकल्ट था। रिबेलियन वॉर इवन बैड विद खुद स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। अब लड़ाई, खराब वेदर, इन सब चीज़ों की वजह से जो एक कम्युनिकेशन रूट था वो खराब होता जा रहा था, वो खराब हो जाता था बार बार। दिल्ली अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेसेस। अब दिल्ली की जो अथॉरिटी थी, उन सबको चैलेंज कर दिया था मंगोल इन्वेजन ने जो कि अफगानिस्तान से थे, और गवर्नर्स जो कि सुल्तान्स की वीकनेसेस वगैरह के लिए हमेशा उनसे बदला वगैरह लेने के लिए तैयार रहते थे, उन सब लोगों ने चैलेंज कर दिया था दिल्ली अथॉरिटी। इट्स कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ग्यासुद्दीन बलबान एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खालजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें कब सही हुई, ये सब चीज़ें कंसोलिडेट होने लगी, सही होने लगी जो रीजन था। ठीक है, ग्यासुद्दीन बलबान और फर्दर आगे अलाउद्दीन खुलजी और मोहम्मद तगलक, इन सब के टाइम का जो भी रीजन था, उन सब चीज़ों में ये सब जगहें ठीक होने लग गई। ठीक है, द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलॉन्ग द इंटरनेट फ्रॉन्टियर ऑफ द सल्तनेट एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स। सबसे पहला सेट जो कैंपेन्स वगैरह का था, जिसमें कि इंटरनल फ्रंटियर्स वगैरह थे, ठीक है, सल्तनेट के, जिन्होंने एम किया था इन सारी चीज़ों को, और ये जो गैरिसन टाउन्स, हिंटरलैंड्स, ये सब थे। तो ये सब मेन चीज़ें थी जहाँ पे कैंपेन्स वगैरह सबसे पहले सेट किए गए। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डोब एंड हंटर गैदरर्स एंड पास्टोरियल्स एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट।
तो इस कैंपेन के दौरान क्या किया गया था, जो फॉरेस्ट वगैरह थे उनको साफ कर दिया गया था, जो भी गंगा यमुना के एरिया में जो भी फॉरेस्ट वगैरह थे उन सबको साफ कर दिया गया था, जो हंटर्स गैदरर्स थे तो उन सबको वहां से एकदम मतलब हटा दिया गया था। दीज लैंड्स वर गिवन टू पीस एंड सैंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज्ड। अब ये जो लैंड जो साफ वगैरह किया था और जिससे हंटर्स गैदरर्स वगैरह को खाली वगैरह किया था, तो उस लैंड का क्या किया, तो उस लैंड को जो पीजेंट्स वगैरह थे उनको एग्रीकल्चर वगैरह के लिए दे दिया, ताकि धीमे धीमे एग्रीकल्चर और बढ़ता जाए। न्यू फोर्टेसेस गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। अब नए नए गैरिसन टाउन्स और बड़े बड़े टाउन्स वगैरह को बनाया जा रहा था, ताकि जो ट्रेड रूट्स हैं, जो भी ट्रेडिंग के जो भी रास्ते वगैरह हैं, उनको प्रोटेक्ट करा जा सके और रीजनल ट्रेड जो है उसको प्रमोट किया जा सके। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनेट। तो सेकेंड एक्सपेंशन जो था वो कब हुआ, वो एक्सटर्नल फ्रंटियर में सल्तनेट के टाइम पे हुआ। मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खालजी। अब मिलिट्री वगैरह जो बढ़ना स्टार्ट हुई, वो सब स्टार्ट हुई अलाउद्दीन खालजी के टाइम पे, उनके रीजन में ये सारी चीज़ें बढ़ने स्टार्ट हुई। एंड एलिमिनेटेड विद मोहम्मद तगलक, और ये सारी चीज़ें मोहम्मद तगलक तक पूरा गई। इन देयर कैंपेन सल्तनेट आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रेशियस मेटल्स। अब उनके कैंपेन्स में क्या होता था, ये जो सल्तनेट आर्मीज थी वो एलिफेंट्स को कैप्चर करती थी, हॉर्सेस को कैप्चर करती थी, ठीक है, और इन सबको अपने साथ ले जाती थी, ठीक है, और जो भी प्रीशियस मेटल्स वगैरह होते थे उन सब प्रीशियस मेटल्स को अपने साथ ले जाती थी। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तगलक्स रीजन 150 ईयर्स आफ्टर सम वॉट हम्बल बिगनिंग्स द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनेट हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब मोहम्मद तगलक के जो रीजन के एंड तक आखिरी तक वही सम वॉट अराउंड 150 ईयर्स बाद, अब वहाँ पे एक नई शुरुआत हुई। जो आर्मीज थी दिल्ली सल्तनेट की, वो सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी ज़्यादा बड़े पार्ट में पूरा मार्च करती थी। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज द सिटीज। उन्होंने जो राइवल आर्मीज थी उन सबको हरा करके सिटी को एकदम सही बना दिया था। द सल्तनेट कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन देयर इन इट्स रियल। तो जो सल्तनेट थे वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे, ठीक है, जो भी जस्टिस वगैरह होता था उन सब चीज़ों को देखते थे। बट हाउ कम्प्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। अब लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव, इतना ज़्यादा पूरा कंट्रोल इतनी बड़ी टेरिटरी में कैसे किया, उस चीज़ों को देखते हैं। अब द मस्जिद, द मोस्ट कॉल अ मस्जिद इन अराबिक लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम प्रोस्टिट्यूट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह। मॉस क्या होते हैं, मॉस इसको मस्जिद बोलते हैं अरेबिक में, वे एक प्लेस है जहाँ पे मुस्लिम्स अपना प्रे करते हैं अल्लाह से। इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स टुगेदर। अब एक कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, ठीक है, वहाँ मतलब जामा मस्जिद या मस्जिद ई जामी, वहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं वो अपनी प्रेयर्स सब लोग इकट्ठा पढ़ते हैं, ठीक है। मेम्बर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लोन मेल एज देयर लीडर। अब जो मेंबर्स जो कॉन्ग्रीगेशन के मेंबर्स होते हैं वो अपने सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड और सबसे ज़्यादा जो पढ़ा हुआ जो मेल होता है उसको एज अ लीडर चूज़ करते हैं फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर्स, प्रेयर्स वगैरह के रिचुअल्स के लिए। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमोन ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। अब वो सरमोन को भी डिलीवर करते हैं फ्राइडे की प्रेयर्स पे। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम्स स्टैंड फेसिंग मक्का। अब प्रेयर के टाइम जो मुस्लिम्स होते हैं वो मक्का की तरफ फेस करके खड़े होते हैं। इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, इंडिया में इसको बोलते हैं वेस्ट के डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द किबला, इसको किबला बोलते हैं। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अब दिल्ली सुल्तान जो थे उन्होंने पूरी की पूरी सिटी में सब कॉन्टिनेंट में कई सारे मॉस्क को बिल्ड कर दिया था। दीज डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रॉक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। अब उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि वो जो मुस्लिम्स और इस्लाम्स वगैरह इन सब के फेवर में हैं। मॉस्क आर ऑल्सो मतलब प्रॉक्टर्स हैं, मतलब प्रोटेक्ट करने के वाले हैं, ठीक है। मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी
of believers who shared a belief system and a code of conduct. अब जो मॉस जो थे वो हेल्प करते थे कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी को क्रिएट करने में, ठीक है, जिनके जो सिस्टम वगैरह था उनके कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह को बिल्ड करने में हेल्प करते थे. इट वॉज नेसेसरी टू रीइंफोर्स दिस आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स. अब ये ज़रूरी था इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना क्योंकि मुस्लिम जो थे वो कई वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आए थे, तो इसलिए इस पर्टिकुलर आइडिया को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था. ठीक है, अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स. अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो खलजीज और तुगलक्स के अंडर में हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज फास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. अब किंगडम्स वगैरह का जो था वो जितना ज़्यादा से बड़ा दिल्ली सल्तनत में ज़रूरत थी गवर्नर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, बिकॉज इन सब चीज़ों को संभालने के लिए, किंगडम को संभालने के लिए, इतने बड़े किंगडम्स को संभालने के लिए अब रिलायबल गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स इन सब की ज़रूरत थी. रादर दैन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रैट्स एंड लैंडेड चीफटेंस एज गवर्नर्स द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स स्पेशली इल्तमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंडागन इन पर्शियन. अब जो पुराने जो एरिस्टोक्रैट्स थे या जो पुराने चीफ वगैरह थे उन सब लोगों को अपॉइंट करने की जगह अर्ली दिल्ली सुल्तान्स वाले स्पेशली जो इल्तमिश थे उन्होंने ये फेवर किया कि उनके जो स्पेशल स्लेव्स हैं, ठीक है, जो मिलिट्री सर्विस वगैरह को परचेज करते हैं जिनको बंडागन बोलते हैं पर्शिया में, दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम. अब इन पीपल को ट्रेन किया गया था अच्छे से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स में किंगडम के लिए. सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर मास्टर द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम. अब जैसे कि वो कम्प्लीटली अपने मास्टर पे ही डिपेंडेंट होते थे तो सुल्तान जो थे उन पे अच्छे से ट्रस्ट कर सकते थे, रिलाई कर सकते थे उनके ऊपर. ठीक है, द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंडागर एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजिशंस. अब जो खलजीज थे और तुगलक्स थे उन्होंने कंटिन्यू किया यही बंडागर मेथड जो था और उन्होंने पीपल को यहाँ पे रेज किया जो कि उनके क्लाइंट्स भी थे और अच्छी पॉलिटिकल पोजीशंस पे उनको रेज किया. क्लाइंट्स ऐसा कोई पर्सन जो कि किसी दूसरे पर्सन की प्रोटेक्शन में अंडर में हो, समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, अ डिपेंडेंट और हैंगर ऑन. ठीक है, दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स. अब उन लोगों को एज अ जनरल एज अ गवर्नमेंट अपॉइंट करने लगे. However, this also introduced an element of political instability. अब इससे एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हुई और जिसको बोलते हैं political instability. Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their heirs. अब जो slaves और clients थे वो अपने masters से तो loyal थे लेकिन heirs से loyal वो लोग नहीं थे. ठीक है, new sultans had their own servants. अब जो नए सुल्तान्स थे उनके पास खुद के सर्वेंट्स होते थे. ठीक है, एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क आफ्टर सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी. और इसका रिजल्ट क्यों हुआ कि ये जो यहाँ पे लड़ाई होने लगी पुराने और नए नोबिलिटी के बीच में पूरी लड़ाई होने लगी. द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक मेनी एलाइट्स एंड द ऑथर ऑफ पर्शियन तुआरिक क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसर्स. अब यहाँ पे जो हम्बल पीपल थे दिल्ली सुल्तान से वो सब काफ़ी शॉक हो गए. ठीक है, जो ऑथर्स थे पर्शियन तुआरिक के उन्होंने दिल्ली सुल्तान को क्रिटिसाइज किया कि लो और बेस बॉर्न लोगों को उन्होंने हाई ऑफिसर्स वगैरह कैसे अपॉइंट कर दिया. तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मना किया और काफ़ी ज़्यादा इसके लिए मतलब बोला, क्रिटिसाइज किया. ठीक है, ग्रेट, वन सेकेंड. लाइक द अर्लियर सुल्तान्स द खलजी एंड तुगलक मोनार्क्स
अब यहाँ वन सेकेंड मैं इसको शिफ्ट कर दूँ थोड़ा सा. यस, लाइक द अर्लीस्ट सुल्तान द खालजी एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज कोनेस ऑफ टेररिस्ट ऑफ वेरिंग साइजेस. अब पुराने सुल्तान जैसे कि खालजी जो तुगलक मोनार्क्स थे उनकी तरीके मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट करना चालू कर दिया एज अ गवर्नर ऑफ टेररिस्ट अलग अलग साइज के, जो लोग अलग अलग वेरी जिनके साइज अलग अलग थे. दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादर और मुक्ति. अब ये जो लैंड्स थे इनको बोला जाता था इक्ता, और जो लैंड होल्डर थे जिनका लैंड था उनको बोला जाता था इक्तादर या फिर मुक्ति. द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेनटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज. तो ये जो मुक्तीज थे इनकी ड्यूटी क्या थी? ये ड्यूटी थी कि वो मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करें और लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करें अपने अपने इक्ताज में. इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी. और इसके एक्सचेंज में, मिलिट्री सर्विसेज के एक्सचेंज में, जो मुक्तीज थे वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे इन असाइनमेंट्स के लिए एज अ सैलरी. दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम देयर रेवेन्यूज. उन्होंने वो अपने सोल्जर्स को भी पे करते थे इन रेवेन्यूज के थ्रू. कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इन देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ देवर असाइंड एक टास्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बींग शिफ्टेड. अब मुक्तीज के ऊपर जो कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था. अगर उनका ऑफिस जो था वो इनहेरिटेबल नहीं था और वहाँ पे इक्तास वगैरह को असाइन करना एक छोटे टाइम के लिए, ये सब काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रहा था बार बार. मतलब किसी टाइम कोई इक्ता को अपॉइंट किया, नेक्स्ट कोई और, थर्ड कोई और, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी. दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विस वर रिगरसली इम्पोज ड्यूरिंग द रीजेंस ऑफ अलाउद्दीन खालजी एंड मोहम्मद तुगलक. अब ये जो कंडीशंस थी सर्विस की, ये अलाउद्दीन खालजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ज़्यादा हो रही थी. अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज. अब अकाउंटेंट्स वगैरह को अपॉइंट किया गया था स्टेट्स ने जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसको देखने के लिए मुक्तीज से. केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट एंड दैट ही केप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स. कि ये चीज़ें देखी जाती थी कि जो मुक्ति है वो सिर्फ उतने ही टैक्स कलेक्ट कर रहा है जितने कि स्टेट से प्रिस्क्राइब करे गए हैं, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ सोल्जर्स को रिक्वायर्ड है उतने ही नंबर ऑफ सोल्जर्स वो अपने पास रख भी रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों को भी देखने के लिए, इन सारी चीज़ों को भी हैंडल यहाँ पे उन सब के लिए अपॉइंट किए जाते थे पीपल को, उन पीपल्स वगैरह को यहाँ पे रखा जाता था. ग्रेट. सो यहाँ पर आज हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टडी आउट किया. वन सेकेंड, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर लिया, ठीक है. हम लोगों ने स्टडी किया फ्रॉम कैरिसन टाउन टू एम्पायर, दिल्ली सल्तनत कैसे कैसे एक्सपैंड हुआ, किस तरफ को एक्सपैंड हुआ वो हम लोगों ने डिस्कस किया. देन फर्दर हम लोगों ने यहाँ पे मस्जिद के बारे में डिस्कस किया, और फिर हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह के बारे में देखे थे खालजीज और तुगलक्स के टाइम पे. राइट, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्चुअली डिस्कस किया हम लोगों ने इन चीज़ों को. तो अभी तक हम लोग दिल्ली के बारे में पूरा स्टेट पढ़ चुके हैं कि दिल्ली एज अ इम्पॉर्टेंट सिटी कब डिक्लेयर हुआ, राइट, किस सेंचुरी में हुआ. फर्दर इसके आगे और क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब हुई, राइट, खालजीज के बारे में तुगलक्स के बारे में. सो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस आउट कर चुके हैं. अब जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप इसके नोट्स अपने साथ बना रहे हो, ठीक है, एट योर एंड, बिकॉज इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप इनसे चीज़ों से क्वेश्चंस वगैरह फॉर्म होते उठते हैं. ये जो रूलर्स थे दिल्ली के, ये जो टेबल है ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स है आपके लिए, राइट. सो इन टेबल्स के ही थ्रू आपके कई सारे क्वेश्चंस वगैरह फॉर्म हो सकते हैं, और यू हैव टू आंसर कि किस रिस्पेक्टिव रूलर का क्या टाइम पीरियड था, किस टाइम पीरियड में रूलर ने रूल किया, और इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है. सो मेक श्योर करें कि इस टेबल को आप कहीं पे अपने तरफ से भी नोट डाउन कर ले, रादर दैन बुक में तो प्रेजेंट है, बट जहाँ पे भी अपने नोट्स आप क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे इस टेबल को भी एक साइड पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन वगैरह के टाइम पे कुछ भी आप भूलें नहीं.
राइट सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ. चलन थैंक यू एंड टेक केयर. जय हिंद.